everyone and a very welcome back to my channel guys. My name is Kalpana and this is Kalpi Corner. तो ये ना starting का first vlog है जो कि लखनऊ आने के बाद हम लोग shoot कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लखनऊ आ चुके हैं और बनकोट के vlogs अभी भी pending है तो मैं बनकोट के vlog बीच में डालती रहूँगी but ये vlog मैं ज़रूर कल डाल लूँगी. आज shoot कर रही हूँ तो कल ज़रूर डाल दूँगी. तो पीछे बैठी है मम्मी, उन्हें हाई बोल दो. हाई. एंड पीछे बैठा है कृष्णा. शक्ल नहीं दिखानी है ब्रो, हाई बोलना है. और यहाँ बैठे हैं हमारे मिश्रा जी. हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू आवर चैनल. कैसे हैं आप लोग? जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं. नहीं आप बोलो ऐसा. नहीं आप बोलो ऐसा. तो कैसे हैं आप लोग? भैया हम नहीं कैरी. नहीं है कैरी. तो चलो ठीक है. तो कैसे हैं आप लोग मैं बोल देती हूँ. तो जैसे भी हो कमेंट डाउन करो. बाकी ओके ओके भाई, ये गाड़ी बार बार चिल्लाती रहती है कि अपना सीट बेल्ट पहन लो, लेकिन हम इतने जिद्दी हैं कि हम फिर भी नहीं पहनेंगे. बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं ऐसे, शाम को निकल गए. अभी ऐसा प्लान बना, पहले मेरा हैप्पी का प्लान बना, फिर हम सबका प्लान बन गया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं. और कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता. जहाँ इनकी गाड़ी ले जाएगी और जहाँ इनकी स्टीयरिंग हमको लेके जाएगी हम वहाँ जा रहे हैं. बस इतना हमें पता है. हम लोग थोड़ा सा मंदिर की सामान का परवाह करने भी जा रहे हैं. बाकी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो आपको दिख जाएगा. तो हजरतगंज, हजरतगंज शायद, हजरतगंज. अच्छा तो हजरतगंज हम लोग शायद जा सकते हैं. बाकी अभी तो हम लोग पहुँचे हैं डालीगंज. डालीगंज मम्मी की बहन रहती हैं तो वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं. तो अभी क्या तेल डलवाएंगे आप, खाना खिलाएंगे इस गाड़ी को? तो सबसे पहले इस गाड़ी की गाड़ी ज्यादा खाना खाती है कल शाम को. अरे नहीं नहीं, कृष्णा कह रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं डलवाऊंगा तेल की टंकी फुल करवा दूंगा. बोल रहा था कृष्णा अपने जीजाजी के लिए इतना नहीं कर सकता तू. कृष्णा अपने 1200 का तेल डालूंगी. अरे 1200 तो कोई बात नहीं है. इसने कहा था 40 लीटर फुल करवाऊंगा मैं तुरंत जैसे ही घूमने जाऊंगा. हाँ डायरेक्ट. तो हम आ चुके हैं यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है ना, ये क्या है, भारत पेट्रोलियम पे गाड़ी का टैंक फुल करवाने, इसको खाना खिलाने, उसके बाद हम जाएंगे खुद खाना खाने. बहुत खर्चा है गाइस, बहुत खर्चा. यहाँ पे भी हैप्पी गुस्सा हो गए क्योंकि हैप्पी ने बोला 1500 का तेल डालो और भैया ने डाल दिया 200 रुपए का. अब अभी भैया दोबारा डाल रहे. अब न जाने किसी. अरे यार बाबू टैंक खोलना पड़ता है यार, बताओ भैया इनको. एंड उसके बाद रास्ते में मिल गई हमको नदी, जहाँ पे हमें अपना सामान जो है पूजा का वो परवाह करना था. परवाह इन द सेंस जो पूजा का सामान बच गया था दिवाली में, नवरात्रि में जो हमने रखा हुआ था अलग से, जो भी खिल्ले बतासे बच जाते हैं ना, वो माना जाता है कि नदी के किनारे या किसी मंदिर के किनारे रख के आने पड़ते हैं. और लक्ष्मी गणेश को भी हमने परवाह करना था, वो पिछले साल के रह गए थे. तो यहाँ पर हम लोग ने नदी में नहीं डाला, लेकिन ये जो लगा हुआ था बैरियर इसके बगल में ना सब ने अपना रखा हुआ था सामान, तो वो वहाँ पर हमने रख दिया. बाकी जो जौ थे यही सिर्फ और सिर्फ मैंने नदी में डाले थे. और उसके बाद जो है मैं सामान थोड़ा सा ढंग से रख के आपको दिखा रही हूँ कि हाय गाइस मैं कल्पना हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे काम करती रहती हूँ. उसके बाद मम्मी ने जो है ना अपनी सर पे चुन्नी डाल के ऐसे करके एक सिक्का घुमा दिया, मतलब हमारी नज़र उतार दी. बाकी आप जो वीडियो देख रहे हो ना सब लोग, तो आप सबकी भी नज़र ना मैंने निकाल दी है, मतलब एक उतार दी है. तो आप लोग ना मेरे को इसके लिए धन्यवाद बोल देना, ठीक है? तो यहाँ पे ये नज़र जो है वो उतर चुकी है. उसके बाद हम लोग बैठे, मम्मी ने देखो यहाँ पे जाके नमस्ते किया, प्रणाम किया भगवान जी को. उसके बाद मैं बैठ गई कार में. उसके बाद मैंने कहा इधर ला मेरा फ़ोन, पता नहीं तूने कैसा व्लॉग बनाया, दे दे मुझे मैं बनाऊंगी. तो फाइनली हैप्पी हमको ले आए हैं हजरतगंज. और ये वाला जो पोर्शन है ना गाइज, ये वाला ये मुझे काफ़ी सुंदर लगता है. लाइक मैं बाहर से आपको दिखा दूँ कुछ ऐसा. This is so nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है. एंड मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब लाइक ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं और बाकी यहाँ पे ब्रांडेड स्टोर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इधर इधर दोनों साइड. हजरतगंज मेन चौराहे पे सारे ब्रांडेड शोरूम्स अवेलेबल हैं, तो आप आ सकते हैं शॉपिंग के लिए इफ़ यू वॉन्ट ब्रांडेड शॉपिंग. बाकी यहाँ पे की एक लड़कों की मार्केट है प्रिंस मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है. आई डोंट नो क्यों है क्या है बट है. और लवलेन लड़कियों की है, जैसे सनी मार्केट है ना हल्द्वानी की, वैसे लवलेन है. तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद हैप्पी ने फाइनल किया कि उनको डोसा खाना है. तो मेरे पैर जो है उनके पीछे पीछे चल रहे थे. बाकी हम लोग आ चुके थे बॉम्बे फूड हब, इनके दो ब्रांचेस हैं अगल बगल, तो हम लोग यहाँ पे जाके खाए थे. बाकी उनको यहाँ पे अपना दोस्त मिल गया. फाइनली गाइस हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, जो मैंने आपको बाहर से खा दिया है. बाकी हम लोग ने ऑर्डर दे दिया है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो कि दूर हो जाएगा कि हमें क्या ऑर्डर करना है. बाकी पीछे हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है एंड पीछे सब लोग खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं. बाकी ये स्टोर जो है ये फेमस है किस चीज़ के लिए? डोसा. डोसा के लिए तो पाव भाजी एंड डोसा.
पाव भाजी एंड डोसा के लिए नहीं, बट ये हमारे लिए, हम लोग यहाँ का, हाँ शायद बाकी हम लोग को यहाँ का डोसा अच्छा लगता है, बट मैं अब थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, कुछ और ट्राई करूँगी, लेट्स सी। नहीं मैं आइसक्रीम खाऊंगी, आई एम हैप्पी विथ माई आइसक्रीम नाउ। गर्मियों में अब नहीं अच्छा लगता मुझे, गर्मियों में मुझे नहीं अच्छा लगता, तो ये लोग खाएंगे इनके साथ, मैं शेयर जरूर कर लूँगी, थोड़ा वैरायटी चेक कर लूँगी, बट जो मेरी फाइनल जो मेरा डिमांड होगा वो आइसक्रीम का होगा, बाकी नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मम्मी का डोसा लग चुका है, तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको, खाइए फिर हमको बताइए कैसा है। बिना खाए बता रहे, बहुत अच्छा है। बिना खाए बता रहे, इतना भरोसा है आपको हैं, इतना ज़्यादा। तो ये देखो, ये यहाँ की वैरायटी है, यहाँ पे ये क्या है, ये नारियल चटनी, सांभर और वो दूसरी चटनी, एंड देन डोसा विथ सो मच। ये मसाला डोसा है ना, लेकिन इसमें सो मच इंटीरियर फीलिंग है। देखो ऊपर वाली तो बेसिकली हॉलो रहती है, बट नीचे वाली बहुत ज़्यादा फिल्ड रहती है हमेशा। सो गुड टू ईट। हमें हमारे कृष्णा भाई भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि पानी पी रहे हैं, तुरंत आया है। यहाँ पे एक और आ गया है डोसा, तो इसकी वैरायटी बोलनी है, इनको भी खिला दिया है, अब बोलना बंद कर दिया है तो यहाँ पे है पनीर डोसा, पनीर फिल्ड ग्रेवी, देखो कितनी सारी ग्रेवी है, मतलब कितना ज़्यादा इंटीरियर फीलिंग है, बाकी सेम चीज़ है। मम्मी शेयर कर रही कृष्णा के साथ, क्योंकि कृष्णा को डोसा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत। मेरे पतिदेव शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ भी नहीं रहे मुझे कि खाएगी नहीं खाएगी, क्या है वीडियो के बाद खाएगी वीडियो के बाद नहीं खाएगी, वीडियो बना के पूरा फिर खाएगी, कोई तो दिखाना पड़ता ना, ऐसी पहले खा लो वरना बचेगा नहीं। एक मेरा एक ये कुछ नहीं है, एक बाइट तुमने खिला दिया है, खुश रहो, खुश रहो। जब भी पानी की बोतल खरीदो ना, तब पानी प्यास भी ज्यादा लगती है, तो और पी लो और पी लो और पी लो, और घर पे फ्री का पानी होता है तो वहाँ पिया नहीं जाता है। तो इस वीडियो से आप ये सोचिए कि आपको घर पे फुल पानी पीना है, अब गर्मी स्टार्ट हुई है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो, मतलब लाइक 5 लीटर तो पानी पी सकता है नॉर्मल ह्यूमन बींग, हेल्दी, ज़्यादा भी ठीक नहीं होता, बट 5 to 6 लीटर यू कैन ड्रिंक विद इन अ डे 24 आवर्स के अंदर, पानी जरूरी होता है। फॉर कृष्णा जैसी ग्लोइंग स्किन, अब नहीं बोल रहा, बैक कैमरे में बोल रहा था फॉर दिस ग्लोइंग स्किन के लिए आप इतना पानी पियो, लेकिन अब नहीं बोल रहा, तेरे लिए बोल रहा भाई, देख रही थी अभी खिलाया मैंने इसको, अच्छी बात है। वैसे तुम क्या कहना चाहते हो, तुम ललचा रही हो इसीलिए खिला रहे हैं क्या, ललचा रही है ना इसीलिए खिला रहे हैं, बस क्या करूँ मैं, बस ये मूड में नहीं है, बट लेकिन मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं, एंड देन उसके बाद आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है मैंने अपनी फाइनल वैरायटी ऑर्डर कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर लिए थे बहुत सारी आइसक्रीम, जिसमें से 3 तो एक ही थी कुल्फी और एक मैंगो थी, क्योंकि कुल्फी का ना मुझे बड़ा ही अच्छा टेस्ट लग गया और मैं कुल्फी खाती रहती हूँ, और यहाँ पे मेरे पति ने इसका पेमेंट किया जो कि करना था उनको। कैसी है, हाँ तो फिर अच्छी लगेगी रबड़ी, तो वी आर एंजॉइंग रबड़ी एंड हैप्पी इज ड्राइविंग, तो मैं इनको खिला रही हूँ, बाकी मैंने ना एक मैंगो भी लिया है, देखो मेरी रबड़ी नहीं ली है, ये है ना दो रबड़ी एंड मैंगो, और पीछे कृष्णा भी खा रहा है, बाकी यहाँ मम्मी इंजॉय कर रही है, और यहाँ मैं दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब आप मेरे चैनल में मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिप था जो कि हम लोग ने किया, बेसिकली हम एक ही काम करके थे, हम लोग खा खू के थोड़ा बहुत घूम घाम के, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, एंड देन उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाने को बना दी, बाकी घर पे हम पहुंच गए, ये हमारी सामने वाली गली है, बस ये हम है और ये हमारी कार है और ये हमारी आइसक्रीम है और ये हमारी आइसक्रीम है, पार्टी हो रही है, तो बस अब हम घर के अंदर घुसने वाले हैं। तो इतना ही, अगर आपने हमारी वीडियो एंजॉय की है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना ही था आज के ट्रिप में, तो बाय गाइस, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।